तो दिखाओ परमिशन, दिखाओ लो परमिशन, दिखा दो परमिशन तो नहीं भाई, परमिशन दिखा दो ना, जो हमारे सारे सीनियर लीडर को आपने अरेस्ट कर लिया है यार, आप परमिशन दिखाओ ना। जामिया के बच्चों को घुस के जब मारा था तब धारा 144 लगी थी, बताइए आप क्या लगा था, क्यों घुस के मारा था उनको। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, आपको बता दें मंडी हाउस जगह है जहां पर आज प्रदर्शन इस तरीके से हो रहा है। धारा 144 लगातार जारी है, देखिए पुलिस यहां पर आ गया कि यहां पर रुक जाइए, उन्हें रोकने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है वो लगातार आगे बढ़ता जगह, और अब हालांकि पुलिसकर्मी उनको समझा रहे हैं कि आगे कहां जा रहे हो आप, रुक जाइए यहां पर। बिना परमिशन के तो नहीं कर रही, तो दिखाओ परमिशन, दिखाओ लो परमिशन, दिखा दो परमिशन तो नहीं भाई, परमिशन दिखा दो ना, जो हमारे सारे सीनियर लीडर को आपने अरेस्ट कर लिया है यार, आप परमिशन दिखाओ ना। नहीं, विदाउट परमिशन बड़े भाई, परमिशन दिखा दो। अब जो है, अब परमिशन की जो बात कर रहे हैं, तो क्या बिना परमिशन के, बिना हमारे जो संसद है, जो तमाम जो लीडरों का आपने अरेस्ट किया है, यहां जो प्रोटेस्ट कर रहे हो उसके बारे में पूछ रहा हूं। आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं यहां से हम टन लेंगे, हमारे रूट अलग था, आप ये कह सकते हैं। नहीं, आप क्यों जा रहे हो उधर, फिर टन ले लेंगे, लेकिन आप इस तरह बात नहीं कर सकते, आप यहां प्रोटेस्ट, आप इस तरह बात नहीं कर सकते, परमिशन दिखाओ। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, हमारा हक नहीं, अधिकार नहीं है, लगी हुई है इसलिए प्रोटेस्ट नहीं, हमारे अधिकार नहीं है। मैं आपसे जो कह रहा हूं, धारा 44 तो पूरी दिल्ली में आपने लगा रखा है, तो पूरी दिल्ली में लगा रखी है, तो मैंने दिल्ली में आपने लगा रखा है, क्या हमारे अधिकार नहीं है, हम मांग नहीं कर सकते हम। सॉरी, मैं बहस नहीं कर सकता आपसे, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते यार। क्यों नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते मेरे दोस्त, प्रोटेस्ट तो हम करेंगे, आप मुझे परमिशन दिखा दो, कर लो, नो प्रॉब्लम। आप बताइए कहाँ करना है, आप ही मुझे बता दीजिए, आप ही लोकेशन बताइए, आप मुझे लोकेशन बता दीजिए, जब आपके पास जवाब नहीं, हम अपने अधिकार को छोड़ दें, नहीं कर सकते हम अपने अधिकार को छोड़ दें, हम विरोध ना करें आरएसएस के, ना ना मनमान सरकार के, हम विरोध ना करें, हम एनआरसी विरोध ना करें, अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस, 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 मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, गो बैक एनआरसी, गो बैक एनआरसी, एनआरसी, गो बैक, एनआरसी, गो बैक, एनआरसी, गो बैक। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया उसके बावजूद भी अब नारेबाजी लगातार जारी है, देख सकते हैं अभी भी यही बात करें कि कैब और एनआरसी वापस लो, इस तरह के नारेबाजी यहाँ पर हो रहा है। पुलिस ने साफ कहा कि आपके पास जब परमिशन नहीं है तो आप यहाँ पर कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद उनका जवाब आया तो कहाँ करें सवाल, यहाँ पर आकर अटक गया और फिर से नारेबाजी शुरू हो गए। और साफ तौर पर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी पुलिस ने यहाँ पर आपको रोक दिया, आप उनसे पूछे क्यों रोक रहे हैं, उनको क्या खतरा है हम लोगों से, क्यों हम लोग को रोक रहे हैं, पूछिए उनसे। आप एक को कह रहे हैं कि परमिशन की बात कर रहे हैं, वो किससे डर रहे हैं कि हमको रोक रहे हैं, उनसे ये बात पूछिए आप जाके, वो किससे डर रहे हैं कि हम लोगों को रोक रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, किसी का बिगाड़ तो वो रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या हम लोग उनका क्या बिगाड़ रहे हैं कि हम लोगों को रोक रहे हैं। हम अपने हक के लिए सड़क पे आएंगे, नरेंद्र मोदी ने जब सड़क पे लाइन लगा के पैसा निकालने के लिए खड़ा किया था तब तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था उन्होंने, किसी को नहीं रोका था उन्होंने, लाइन में लगे रहो, जनता सड़क पे है कोई बात नहीं। आज जनता सड़क पे आई तो क्यों दुख रही उनकी, कौन सी नस दुख रही उनकी कि रोक रहे हैं हमें, बताइए, पूछिए, सवाल कीजिए उनसे। इतना प्रोटेस्ट तब तो नहीं दिया था जब नोटबंदी की थी, जीएसटी लगाई थी, तब तो सड़क पे पुलिस वाले नहीं दिखे थे, आज क्यों दिख रहे हैं, उनका क्या बिगाड़ रहा है कोई, उनसे पूछिए, वो खड़े हैं नरेंद्र मोदी के, वो उनसे पूछिए, वही बताएंगे आपको कि हम आज क्यों सड़क पर आए हैं। आपको लगता है कि पुलिस जो है वो मनमानी कर रही है, मनमानी कर रही है भाई, कर रही है, उनको जितना ऑर्डर नहीं मिलता उसे तीन गुना वो करते हैं, कर ही रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि अपने जो है दुश्मनी बच्चों से, धारा 144 लगी है और परमिशन नहीं है, इस कारण यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। और हम जामिया के बच्चों को घुस के जब मारा था तब धारा 144 लगी थी, बताइए आप क्या लगा था, क्यों घुस के मारा था उनको, कुछ मिला था तो उसका बदला तो लेंगे ही ना, हम आएंगे सड़क पे, कितना रोकोगे, रोको, रोक के दिखाओ। ये गुस्सा आप देख सकते हैं, उनका साफ कहना है कि हमें रोक कर दिखाओ, हम इसी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस ने साफ कह दिया कि परमिशन नहीं है तो आप यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सवाल है। और इस सवाल के जवाब में अभी भी पूरी तरीके से गुस्सा साफ तौर पर दिखाई जा रहा है।
पुलिस का वही जवाब। आपको क्या लगता है परमिशन के बिना पुलिस आरोप लगा रही? देखिए परमिशन की बात है, जहाँ तक दिल्ली पुलिस अगर आप परमिशन दिखाओ, मैं इस बात को कंडम करता हूँ। कंडम इस बात के लिए करता हूँ क्या आप परमिशन मांग रहे हैं और हमारे तमाम लीडरों को आपने डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया, जिनमें हमारे सारे संसद को आपने अरेस्ट कर लिया, जिसमें हमारे सारे एक्स मिनिस्टर को आपने अरेस्ट कर लिया, तो आप किस तरह के किस बात की आप बात करें कि परमिशन दिखाएं? क्या आप हमारे लीडरों का अरेस्ट कर लेंगे और हम घर बैठ करेंगे या हम अपने अधिकार की बात ना करें? आप मनमानी आप जैसे चलाएंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या केंद्र सरकार हो, क्या उनके मनमानी चलेंगे? क्या हमारा अधिकार नहीं है, हमारा हक नहीं है, हम अपनी बात नहीं रख सकते? तो इसलिए जितनी ताकत लगाना लगा ले, हम अपनी बात कह के रहेंगे और जो हमारे साथी को अरेस्ट किया है उनको हम छुड़ा करेंगे, डिटेन से अरेस्ट जो किया है उसे हम छुड़वा करेंगे, ये हमारी मांग है। इनकी मांग है साफ तौर पर, ये कह रहे हैं कि परमिशन कहाँ से लाएं, प्रदर्शन कहाँ पे करें, और इस तरह की बातें, इस तरह के सवाल ये उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जितना रोकना चाहती है उतना रोक सकती है, लेकिन ये प्रदर्शन इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है, प्रदर्शन से निकलेगा क्या? हम भी अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए, प्रदर्शन करिए शांति तरीके से, क्योंकि प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन शांति भंग करना नहीं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।